हेलो एवरीवन, मैंने HDFC में नया बैंक अकाउंट खोला है और साथ में मैंने मिलेनिया डेबिट कार्ड भी मंगाया है, मैंने इसके साथ लिया है और जो कि मुझे बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री डेबिट कार्ड मुझे मिला है। ये बेस्ट डेबिट कार्ड है कि जिसमें जो फैसिलिटी है ना, बिल्कुल क्रेडिट कार्ड के बराबर की फैसिलिटी। मिलेनिया जो क्रेडिट कार्ड है उसकी ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ में दिया हुआ है और ये मुझे लाइफ टाइम फ्री भी मिला। तो मैं एंड में बताऊंगा कि क्यों कैसे मुझे फ्री मिला है और क्या करने से आप भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये बेस्ट डेबिट कार्ड है अभी फ़िलहाल जो भी मार्केट में है। और अच्छी बात ये है कि अगर किसी को नहीं भी मिल रहा है क्रेडिट कार्ड, तो भी आप डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल देख लेते हैं इसमें बॉक्स कंटेंट क्या क्या मिला है, मतलब जब मैंने अप्लाई किया था मुझे क्या क्या साथ में मिला हुआ है। तो देखिए इसके अंदर जब मैं ओपन करता हूँ तो ये पूरा मुझे सिप होके आया था, तो मैंने इसे पहले ही ऑलरेडी मैंने अनबॉक्स कर रखा हुआ है। तो ये है मेरा पासबुक, ये वेलकम किट है HDFC का। तो ये मेरा पासबुक है, कंटेंट दिखाने के लिए है किसके साथ क्या क्या मतलब मुझे मिला है। इसे एक चेकबुक, एक कार्ड, नेट बैंकिंग पिन और पासबुक, तो ये बताने लगा है। इसके अंदर पिन है जो कि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर देखिए चार्जेस लिखे हुए हैं कि किस अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस रखना चाहिए। तो ये इसमें डिटेल्स हैं कुछ, ये भी टॉप डिटेल्स। इसके अंदर आपका FAQs और कुछ फ्री इंश्योरेंस, यानी काफ़ी डिटेल्स हैं अलग अलग चीज़ों के, बट ये उतने काम की चीज़ मुझे नहीं लगती है, ठीक है। ये भी कुछ पेपर वर्क हैं, ये लिखा हुआ है कि सेविंग एंड सैलरी अकाउंट में कितने ट्रांजेक्शन कर सकते हैं मेट्रो सिटीज़ में, नॉन मेट्रो सिटीज़ में कितने कर सकते हैं और कितने फ्री हैं, क्या है करंट अकाउंट में, सारी डिटेल्स हैं देख सकते हैं। खैर मुझे तो अपना पता है इसीलिए। और ये है डेबिट कार्ड मैनेजर, ये ऐप डाउनलोड करके कैसे कुछ डिटेल्स मैं हाइड कर देता हूँ। सो ये है चेकबुक HDFC का जो साथ में आया हुआ है, तो इन सब को भी हम साइड कर देते हैं। आगे में एड्रेस वगैरह है इसलिए मैं वो लीफ नहीं खोल रहा हूँ, फ्रंट वाला ट्राई करता हूँ। ये कुछ ऐसा रहता है, इस लेफ्ट में एड्रेस, यहाँ कार्ड नंबर और यहाँ पे अकाउंट नंबर और कितनी ATM लिमिट है, डोमेस्टिक लिमिट कितनी दी हुई है, ये सारे मेंशन है यहाँ पे जो कि आप इजीली देख सकते हैं इसके ऊपर। ओके, अब आता है ये कार्ड, देख सकते हैं ये है वो मिलेनिया कार्ड, डेबिट कार्ड। ये मास्टर कार्ड वेरिएंट में है देख सकते हैं और ये बिल्कुल मुझे लाइफ टाइम फ्री मिला हुआ है, ठीक है। अभी मैं से कुछ फीचर्स बता देता हूँ जो कि आप शायद स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो हाइलाइटिंग फीचर है कि हर मंथ आप अप टू 4,800 कैशबैक एवरी ईयर अर्न कर सकते हैं, यानी कि अराउंड वो आपका 400 पर मंथ मैक्सिमम कैशबैक आप अर्न कर सकते हैं। 5% मिलेगा पेजैप और स्मार्ट वाई। एक्चुअली पेजैप में यूज़ कर रहा हूँ, बहुत बेहतरीन ऐप है, इससे आप क्रेडिट कार्ड बिल, रिचार्ज वगैरह काफ़ी चीज़ें इंस्टेंटली हो जाता है। और इसका एक बेनिफिट भी बताऊँगा, सबसे बड़ा बेनिफिट पेजैप का ये है कि जैसे मैं क्रेडिट से बिल पेमेंट करता था तो बहुत कम कैशबैक मिलता था, बट इस कार्ड को लेने का पर्पस यही था कि अगर मैं डेबिट कार्ड यूज़ करके जो मैं क्रेडिट कार्ड का बिल पे करूँगा तो मुझे उसके ऊपर भी कैशबैक मिल जाता था। यानी क्रेडिट कार्ड पहले यूज़ करके मैं कैशबैक ले रहा था और उसका बिल मैं इस कार्ड के थ्रू पे करके मैं कैशबैक अर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो और इसको अर्न करने के लिए मैंने क्या किया कि पेजैप ऐप के थ्रू मैं अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर देता हूँ यूजिंग डेबिट कार्ड मिलेनिया, या फिर चाहे तो नेट बैंकिंग से भी थ्रू डेबिट कार्ड का पेमेंट करेंगे तो वहाँ 1% का कैशबैक आपको मिल जाएगा। अब कहता है कि जैसे कैशबैक ऑन ऑनलाइन स्पेंड, अगर मान लीजिए कि इस अगर डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप स्पेंड करते हैं, ठीक है, इसके थ्रू तो ऑनलाइन कोई भी एक्सपेंस तो 2.5% कैशबैक आपको मिल जाएगा। और ये 1% कैशबैक ऑफलाइन एंड वॉलेट रिलोड, तो ये अगर मान लीजिए पेटीएम पे लोड करते हैं
या फिर फ़ोनपे किसी भी जगह पे लोड करते हैं, वॉलेट लोड करते हैं, तो इस पर भी 1% कैशबैक आपको मिल जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, ऑफलाइन पे 1% और कैशबैक। जहाँ मतलब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं कर पाएंगे, जैसे कोई मर्चेंट या लेने से मना कर देता है कि नहीं मुझे डेबिट कार्ड ही चाहिए, तो वहाँ पे आप 1% फिर भी आप कैशबैक ले सकते हैं अगर वो क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करता है तो। जैसे मेरे शहर में काफ़ी लोग जैसे ही क्रेडिट कार्ड का नाम लेता हूँ तो और मना कर बोलते हैं अलग से 2% लूँगा, तो उससे बेहतर है कि मैं ये दे दूँ और मुझे 1% और कैशबैक मिल जाए और मेरा काम भी बन जाएगा। और वॉलेट लोड पर भी बहुत बढ़िया है कि 1% आपको वहाँ भी मिल जा रहा है। तो बेसिकली मेरा मेन पर्पस ये था मुझे इस कार्ड को लेने का कि मैं, और एक क्रेड में ना डेबिट कार्ड से पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आता, तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन ये रहा कि पेजैप यूज करके हम डेबिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब उसमें ये तो मेरा काम बन गया, अब इसमें क्या है कि और भी अदर बेनिफिट है। जैसे जैसे मान लेते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको क्रेडिट कार्ड चाहिए, पर इसलिए चाहिए क्योंकि उनको लॉन्च एक्सेस वगैरह भी करना हो, बट उसको मिलता नहीं है। जैसे मेरी वाइफ है, उनको बिल्कुल नहीं मिल रहा है क्योंकि उनका जो सिविल है बिल्कुल जीरो है। जस्ट मैंने उनको स्टार्ट ही किया है तो बहुत जल्द सिविल उनका भी बन जाएगा, तो मैं जीरो से अच्छा सिविल बना दिया मैंने, बट अभी कोई क्रेडिट कार्ड है नहीं। तो अगर उनको अगर मैं कभी एयरपोर्ट ले जाना है तो अगर यूज करना है तो इस मेरे पास तो है, बट बहुत लोगों के पास नहीं है। तो ये डेबिट कार्ड में भी एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस दे रहा है जो कि 4 है पूरे एनुअली। तो ये बहुत बेस्ट चीज़ है इसका कि जिसके जो क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकते हैं डेबिट कार्ड के थ्रू लॉन्च एक्सेस इजीली कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी है, जैसे पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर अप टू 10 लाख। आई डोंट नो इसके क्या टर्म एंड कंडीशन है, बट अगर है तो बिल्कुल अच्छा फीचर है। ये भी कवर दिया हुआ है, प्लस इंटरनेशनल एयर डेथ कवर भी दिया है अप टू 1 crore। तो ये भी बहुत बेहतरीन है। बट देखते हैं इसके भी तो इन लोगों के बहुत टर्म एंड कंडीशंस होते हैं कि कितने ट्रांजेक्शन होने चाहिए और मतलब हर 2-3 महीने में ट्रांजेक्शन होने चाहिए, क्या होना चाहिए थोड़ा देखना पड़ेगा डिटेल में, बट इनके कंडीशन थोड़े हिडन होते हैं। तो और ये भी नहीं पता कि इनको अगर लेना होता है तो कैसे क्लेम लेते हैं। सो देखता हूँ, अगर कुछ डिटेल्स मिलता है तो शेयर करता हूँ। और इसके अंदर 0 लायबिलिटी कवर अप टू 4 lakh अगेंस्ट फ्रॉड। अगर मुझे ऑनलाइन कोई फ्रॉड होता है, किसी तरह का भी फ्रॉडिंग होती है इस कार्ड के थ्रू, तो 4 lakh का कवर है। तो इसके भी कंडीशंस होते हैं, बट हालांकि बता देना होता है विद इन 48 आवर्स या 72 आवर्स में कि अगर कुछ आपके साथ गलत हुआ है तो कस्टमर को कॉल करके बताएंगे तो आपके फंड जो मनी है वो रिटर्न करके ला के देते हैं। तो ये कुछ अच्छे अच्छे बेनिफिट हैं इस कार्ड के। इस कार्ड में बेनिफिट तो बहुत हैं, और किसी भी डेबिट कार्ड में मुझे इस लेवल का बेनिफिट मुझे नहीं मिला। और इसका जो मतलब लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट है ना वो बहुत बढ़िया है, और कैशबैक बेनिफिट भी, जो कि जिस लोगों को क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पा रहा है वो डेबिट कार्ड से बैंक अकाउंट खोल लीजिए HDFC में, डेबिट कार्ड मिलेनिया ले लीजिए, लॉन्च एक्सेस का मज़ा लीजिए, कैशबैक का बेनिफिट लीजिए, सारा चीज़ें इसके साथ लीजिए। बट इसका एक प्रॉब्लम क्या है ना कि इस कार्ड का जो चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा है। इसका कार्ड का 499 प्लस टैक्स है, जो कि मतलब नॉर्मल सभी डेबिट कार्ड से थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जा रहा है। बट ये कार्ड मुझे बिल्कुल फ्री मिला है। उसके पीछे रीज़न है कि मुझे ये फ्री मिला कैसे है, उसके लिए मैं आपको अपना एक दिखा देता हूँ। मैंने ना 31 मार्च से पहले मैंने खोला हुआ है इसको, तो इसमें कंडीशन ये था कि क्लोज़र के टाइम पे जब मैं कार्ड लेने गया था मिलेनिया, मैं सोचा था अगर मिलेनिया मुझे मिल जाए तो मैं बैंक ब्रांच गया था विजिट करने के लिए। तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला जियो सेविंग बैलेंस अकाउंट खोल के दूंगा, ठीक है, साथ में आपको मिलेनिया भी दूंगा, वो भी लाइफ टाइम फ्री। बट वहाँ पर कंडीशन ये है कि आपका जो इनिशियल डिपॉजिट होगा वो 1 lakh रुपये से ऊपर होना चाहिए, 1 lakh होना चाहिए कम से कम। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने 29 मार्च को ऊपर में, अगर आप स्क्रीन में देख पाते हैं तो ये देखिए 29 मार्च को मैंने करीब 1 lakh रुपीज़ डिपॉजिट किया था इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो इनिशियल डिपॉजिट है ये है नॉर्मल सेविंग अकाउंट ही, और इसके अंदर कोई भी मंथली जो आप यहाँ देख रहे थे अभी देता हूँ, हाँ ये जो देख रहे थे आप मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट मेरा बिल्कुल जीरो है, क्योंकि इनिशियल बिग डिपॉजिट मैंने किया है। और ये जो यहाँ के मैनेजर थे उन्होंने मुझे कहा कि आप 1 lakh का डिपॉजिट करिए, मैं आपको डेबिट कार्ड जो बेस्ट डेबिट कार्ड मिलेनिया है वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम फ्री दूंगा, प्लस
जो बैलेंस है, जो मिनिमम बैलेंस है, वो भी जीरो हो जाएगा। और ये तभी हो पाएगा जब आप 1 लाख रुपये डिपॉज़िट करते हैं इनिशियल डिपॉज़िट, और उसको आप 1 महीने तक बिल्कुल भी कम नहीं करते अपने बैलेंस को। 1 लाख जो अपने डिपॉज़िट का है, 1 महीने तक आपको रखना पड़ेगा। तो मेरे पास फ़ंड थे दूसरे अकाउंट में, तो मैंने उसके चेक काट के दे दिया, तो वो फ़ंड मेरे इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया हम लोगों ने, और ये मुझे फ्री मिल गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप भी फ्री करवा सकते हैं। आप चाहिए अपने ब्रांच में पता कर लीजिए कि वो लोग भी ऐसा ऑप्शन देंगे। डेफिनेटली मुझे मिला है तो टपको भी मिलेगा। तो ये है, और ये मास्टर कार्ड वेरिएंट है, शायद इसी वजह से मुझे लाइफ टाइम फ्री मिले, क्योंकि अगर वीज़ा होता तो डेफिनेटली चार्जेबल होता, बट मेरे ख्याल से ये बिल्कुल। और मैंने कस्टमर केयर से भी पता कर लिया, मैंने ब्रांच भी कर लिया, उन्होंने बोला कि नहीं, कोई भी आपको कभी भी चार्ज नहीं लगने वाला। तो ऊपर से मैनेजर ने अश्योर किया है, कस्टमर केयर ने भी बता दिया है कि कोई चार्ज मुझे नहीं लगने वाला, तब तो मैं 100% श्योर। और प्लस मैंने ये भी कंफर्म किया कि क्या क्या मुझे कोई मंथली मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा, जैसे मेरा अर्बन में आता है तो मुझे रखना पड़ेगा कि नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं, आपको कोई मिनिमम 10,000 या 5,000 रखने की ज़रूरत नहीं है, 1 महीने बाद आपको जीरो भी रखेंगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से मुझे ये कार्ड मिला है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी एक बार बात करके देखिए, आप लोगों को भी ये मिलेगा। बट अगर कोई पहले से आपका HDFC में अकाउंट है और फिर अगर आप इसे करेंगे तो शायद चांसेस है आपको ना मिले, ये फ्रेश अकाउंट पे ही ये लोग दे रहे हैं। बाकी आप ब्रांच आके पता कर लीजिए, वो आपको कुछ अलग ही और भी कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन या और भी कुछ ऑप्शन ज़रूर दे देंगे आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वैसे कार्ड ये बहुत बेहतरीन है, डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा, और ख़ास करके उनके लिए अगर जो नो पेमेंट करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड का बिल, बड़े बड़े बिल्स अगर पे कर रहे हो तो आप इससे पे करो बिल। आपका क्रेडिट कार्ड से जो कैशबैक अन कर रहे हैं वो मिल ही रहा है, प्लस इसके थ्रू भी आपको मिल जाएगा। हाँ, और इसका जो कैशबैक है वो नेक्स्ट मंथ मिलता है, अभी तक तो मुझे मिला नहीं है, क्योंकि बिकॉज मैंने काफ़ी पेमेंट कर दिए हैं, बट वो नेक्स्ट मंथ रिफ्लेक्ट होगा, तो मैं चेक करूँगा। जस्ट अभी रिसेंटली खोला है, 1 महीने होने जा रहा है, तो आप देख ही सकते हैं। तो आगे और भी कुछ डिटेल्स होगा तो मैं शेयर करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।